शहर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के मिलने के क्रम जारी है। 1,445 मरीजों के सैंपलों की जांच में 127 सैंपलों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 1,31,417 मरीजों की अब तक की जा चुकी है जांच, जिसमें आज तक 6,985 मरीजों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। वहीं 4,699 मरीजों का अस्पताल से हो चुकी है छुट्टी। 1,982 मरीजों का जारी है अस्पताल में इलाज। 304 मरीजों की हो चुकी है मौत। इंदौर शहर में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में एक बार फिर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार रविवार को 1,445 मरीजों के सैंपल के लिए जांच की गई थी, जिसमें 127 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 39 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत कर घर वापसी की है, जिसके बाद कोरोना को हरा कर घर पहुंचने वाले की संख्या 4,699 हो चुकी है। वहीं रविवार को एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं होने के बाद मौत का आंकड़ा 304 पर ही है। नए पॉजिटिव आए हैं 127 कल तक, और अभी जो टेस्ट किए गए कल तक वो थे अपने 1,445 नए टेस्ट हुए हैं, जिसमें नेगेटिव आए हैं 1,301, और कल कोई डेथ नहीं हुई है। रिपीट पॉजिटिव ज़रूर 14 आए हैं, कल डिस्चार्ज होकर के 39 करीब केसेस डिस्चार्ज हुए हैं स्वस्थ होकर के, और अब तक टोटल 1,31,470 केसेस हमारे सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। पॉजिटिव केस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, तो क्या कारण है? हाँ, ये तो उम्मीद थी कि केसेस बढ़ेंगे, जांच भी हो रही है, लोगों के जो मिक्सिंग हो रही है, कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है, फीवर क्लिनिक हैं, हम जो सर्वे कर रहे हैं उसकी वजह से सब संख्याएं बढ़ के आ रही है।